हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हो techoop.com। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमआई एयर डॉट्स के बारे में। बेसिकली गाइस, ये एमआई की तरफ से फुली वायरलेस, ट्रू वायरलेस कहते हैं इसको, ट्रू वायरलेस एयरफोन है और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन आई होप कि शायद शाओमी यहाँ पे इंडिया में भी लॉन्च कर देगा। सो गाइस, ये कंप्लीट डिटेल रिव्यू एमआई एयर डॉट्स के बारे में। सो आपको पहले शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से, उसके बाद आपको बताऊंगा कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद फुली डिटेल रिव्यू, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन से एक महीने से आके रखा हुआ था प्रोडक्ट, मैं इसको रिव्यू नहीं कर पा रहा था, बहुत सारा काम था, सो थोड़ा बहुत लेट हो गया उसकी वजह से। सो एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस अनबॉक्सिंग के साथ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से आपको एयर डॉट्स की। सो यहाँ पे आपको बहुत मिनिमल डिज़ाइन का बॉक्स मिल जाएगा, पीछे में बहुत सारा स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको शाओमी का ऑथेंटिकेशन की भी है जिसको आप मैच कर सकते हो ऑनलाइन, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है। यहाँ पे बार कोड्स हैं और एयर डॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। सो एयर डॉट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है जब आपको बहुत ज़्यादा चाइनीज़ लैंग्वेज होती है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे गाइड चाइनीज़ ना हो। सो अनबॉक्सिंग यहाँ से हो जाएगी। ओके, ऐसे। सो यहाँ पे आपको एयर डॉट निकल के आता है। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, जो कि आपको चार्जिंग अडेप्टर भी है और कैरिंग केस भी है, कैरिंग केस, और यहाँ पे आपको दोनों एयर डॉट्स मिल जाते हैं। सो इसको यहाँ पे रख देते हैं अभी के लिए, और बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिल जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सामान निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको मिलेगा डाटा केबल, जो कि आपको चार्जिंग के काम आएगा। नाइस, और यहाँ पे आपको फुल चाइनीज़ यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें बिल्कुल भी कुछ पढ़ने लायक तो नहीं है यहाँ पे। सो चाइनीज़ वेरिएंट की ऐसे प्रॉब्लम होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको फ़ोटो देख के समझ में आ रहा है कुछ कुछ चार्जिंग के लिए क्या क्या होगा काम। और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एयर टिप्स भी मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको लार्ज और स्मॉल साइज़ है और मीडियम साइज़ यहाँ पे, जैसे कि सारे एयरफोन्स और वायरलेस एयरफोन्स में होता है। सो अब बात कर लेते हैं इन एयर डॉट्स के बारे में गाइस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ है ये, और आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्मॉल होगा ये, आपके ईयर में बहुत आसानी से फिट होने वाला है। और यहाँ पे आपको इसका जो मैग्नेटिक चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो इसमें लगी हुई है, उसके लिए आपको यहाँ पे पिन्स हैं इसके, और ये रहा इसका एयर टिप्स, और ये वाइट कलर में थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। बेसिकली मैं इसको तकरीबन से एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा सा गंदा हो गया मेरे ख्याल से। और ये जो है आपको टच सेंसर है, ऊपर की तरफ टच होता है, नीचे की तरफ टच नहीं होता है। तब क्या होता है कि आप पहनते हो हमेशा नीचे की तरफ यूज़ करेंगे, तो आपको कोई भी इसमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब बात करते हैं इस अडेप्टर की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मिल जाता है, सो आप ऐसे डाल के इसको चार्ज भी कर सकते हो। सो दैट्स हाउ आप इसको चार्ज कर सकते हो, इसका मतलब है कि रेड का मतलब ये चार्ज हो रहा है। और पीछे की तरफ से आप यूएसबी केबल लगा के चार्ज कर सकते हो इसको। सो इतना ही कुछ था गाइस ओवरव्यू के लिए। काफ़ी ज़्यादा मिनिमल और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा है। ये फाइबर आपको मटेरियल मिल जाता है, ये आपको रबराइज मटेरियल है, ये पिन्स है इसके अंदर, और ये है हाई क्वालिटी प्लास्टिक। सो कुछ इस तरीके का कुछ मटेरियल आपको मिल जाता है, ये आपको फाइबर जो मटेरियल काफ़ी अच्छा, टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, अब बात करते हैं आप कैसे एयर डॉट्स को कनेक्ट करोगे अपने मोबाइल के थ्रू। सो आप सबसे पहले मोबाइल अपना खोल लीजिए, और इसको मैं एक सेकेंड ऑफ कर देता हूँ इसको, और ब्लूटूथ के अंदर जाइए। सो गाइस, जस्ट बिकॉज मैं पहले से यूज़ कर रहा था इसको, सो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, बहुत फास्ट कनेक्ट होता है ये। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर दोनों एयर डॉट्स एक साथ कनेक्टेड है, पेयरिंग किए हुए हैं, सो आपको सिर्फ और सिर्फ राइट वाला साइड ही आपको कनेक्ट होगा आपके मोबाइल से। अगर आपको लेफ्ट वाला साइड दिखाता है, इसका मतलब दोनों साइड अगर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि दोनों एयरफोन ने एक दूसरे में पेयरिंग नहीं की हुई है और वो अलग अलग यूज़ करने के लिए तैयार हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इस एयरफोन के फिटिंग की गाइस। सो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रू वायरलेस एयरफोन की, वो होती है फिटिंग। क्योंकि गाइस, हम लोग इसको ख़रीदते हैं फिटिंग के लिए, कंफर्ट के लिए, और बिना कोई तार का जो झंझट होता है हम लोग को, वो तार के झंझट से मुक्ति पाने के लिए कह सकते हो तुम इसको। सो गाइस, इसका जो साइज़ है इसका जो साइज़ वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा छोटा है, और आपके ईयर में बहुत परफेक्टली फिट होता है। और आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइज़ के लिए पार्टिकुलर पीस है। सो आपको ये वाला जो लेफ्ट साइज़ का है, सो मैं इसको पहनता हूँ एक बार आपको, और आप वीडियो में देख रहे होगे और ये देख रहे होगे कितना ज़्यादा परफेक्टली फिट होता है ये। और इसके वजह से क्या होता है कि आप कितना भी कुछ कर लो, ये गिरने वाला नहीं है। सो आपको यहाँ पे जॉगिंग के वक्त, या फिर आप कह सकते हो कि जॉगिंग के वक्त, जिम के वक्त, या फिर आपको ऑफिस टाइम में, या फिर ट्रैवल के वक्त, सब में बहुत अच्छा काम आता है। और इसकी जो फिटिंग है बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्टेड है। सो गाइस, दूसरी चीज़ अगर बात करें, एक सेकंड उठा लेते हैं इसको यार। सो गाइस, अगर बात करते हैं दूसरी चीज़ की, तो होता है वो बिल्ड क्वालिटी। सो आपको जैसे कि मालूम है, यहाँ पे आपको टच सेंसर लगा हुआ है इसमें, और मैं अभी इसको ऑन कर लेता हूँ, ये एक्टिवेट हो चुका है बेसिकली। और ये टच सेंसर, यहाँ पे आपको फाइबर कोटिंग मिल जाती है,
आगे से आपको रबराइज्ड मटेरियल है, और यहाँ पे आपको इसका जो चार्जिंग पिन है वो मेटालिक है, बिल्कुल सही बात है वो। और इसका जो ये प्लास्टिक बिल्ड है बहुत हाई क्वालिटी की प्लास्टिक है। सो ओवरऑल इसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत सेटिस्फाइंग है प्राइस रेंज के हिसाब से, और इससे अच्छा आपको मिल नहीं सकता। और मेरे ख्याल से जो रबराइज मटेरियल है वो आपको यूज़ करते हुए बहुत कम्फर्टेबल फील होता है, सो वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और गाइस अगर बात करते हैं ये आपको चार्जिंग डॉक और केस की, सो इसका बिल्ड क्वालिटी सेटिस्फाइंग है, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पे। और इसका जो मैग्नेटिक ये है वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, दिखाता हूँ मैं। सो गाइस अगर बात करते हैं साउंड क्वालिटी ऑफ MI ईयर डॉट्स, तो मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। एक महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ गाइज, और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं आई है। वैसे अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशन वाइज, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7.2 mm का डायनेमिक ड्राइवर, जो कि गाइज आपको बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर बहुत तगड़ा साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। और गाइज अगर बात करते हैं बेस क्वालिटी की इसके साउंड्स में, तो बेस इसमें बहुत तगड़ा नहीं मिलता, लेकिन हाँ ठीक ठाक से अच्छा सा मिल जाता है। लेकिन आपको जो इसका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, और एक्सप्लोजिव कह सकते हो तुम उसको, एक्सप्लोजिव साउंड है इसका। और गाइस अगर बात करते हैं साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग कॉल, तो आपको यहाँ पे शाओमी से क्लेम करता है कि स्पेशल कोई इसमें आपको चिप यूज़ किया हुआ है इन्होंने साउंड क्वालिटी कॉलिंग की, वो काफ़ी अच्छी आने के लिए। वैसे मुझे लगता नहीं कि उतना कुछ कमाल का काम करता है, ये नॉर्मली आपको आती है। और नॉर्मल का मतलब ये है कि आपको जो नॉर्मल वायरलेस ईयरफोन या वायर्ड ईयरफोन्स में आती है उसी टाइप का क्वालिटी आता है। और अगर आप बात करते हैं अपने कॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको नहीं आएगी, सामने वाले को ज़रूर आएगी। क्योंकि गाइस आपको जो ईयरफोन होगा वो परफेक्टली फिट रहेगा आपके ईयर्स में, लेकिन आपका जो सामने वाला जो कॉल बात कर रहा है उसको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है एट द टाइम जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में बात कर रहे हो। वैसे अगर आपको नॉर्मल रूम कंडीशन में बात कर रहे हो तो कोई परेशानी नहीं आती और नॉर्मली और अच्छा ही रहता है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है मुझे। सो गाइस अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम ऑफ एयर डॉट्स, तो गाइस एयर डॉट्स आपको टोटल जो है 400 एमएएच की बैटरी मिलेगी, 400 इंसेंस की आपको 100 एमएएच जो मिलेगी आपके ईयरफोन्स मिल जाएगी, और 300 एमएएच आपको ये चार्जिंग डॉक और केस में मिल जाएगी। सो गाइस क्या होता है कि आपको 100 एमएएच इसमें चार्ज इस स्टोर होगा और इसमें हो जाएगा 300 एमएएच, तो टोटल आपको 400 एमएएच होता है। और गाइस आपको 100 एमएएच बैटरी चलती है 4 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस म्यूजिक प्लेबैक, तो आपको यहाँ पे प्लेबैक के टोटल करो तो आपको 12 आवर्स का मिल जाएगा, जो कि चार्जिंग के हिसाब से परफेक्टली बहुत कमाल का है। और आपको यहाँ पे एयर डॉट जो है ऑटोमेटिकली चार्ज होते हैं, इसमें बस ऐसे आप लगाओगे इसको ये चार्जिंग शुरू कर देगा, है ना मस्त। और अगर जब ये चार्ज होता है तो आपको यहाँ पे रेड कलर का जो नोटिफिकेशन ब्लिंक होता रहता है, और आप इसको बंद करें कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको यहाँ से अगर चार्जिंग डॉक को चार्ज करना है तो यहाँ पे आप प्लग लगाओगे और यहाँ पे आपका कलर एक रेड रंग का ब्लिंक होगा, और जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो वाइट ब्लिंक करने लगता है। सो इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छा इन्होंने ध्यान रखा है हर चीज़ का नोटिफिकेशन वाइज। और अगर बात करते हैं इसके जब बैटरी लो होती है तो आपको ऐसा ब्लिंक होगा, ठीक है, मतलब ये वाइट वाला जो ब्लिंक करने लगातार ये ऐसा ब्लिंक होता है जब ये बैटरी लो होती है, तो जब मैं इसको फिट कर दूंगा तो ये आपको यहाँ पर रेड ब्लिंक करने लगेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, जो कि सो गाइस वीडियो के लास्ट में बात करते हैं इसके प्रोज की और कॉन्स की। सो गाइस शुरुआत करते हैं प्रोज से। सो गाइस MI एयर डॉट्स का सबसे अच्छा प्रो है इसका साइज और परफेक्टली फिट, बहुत परफेक्ट फिट होता है कि आपको कभी परेशानी नहीं होती है। ऐसा होता है कि आप जब हम लोग वायरलेस ईयरफोन या हेडफोन लगाते हैं सो लोग थोड़ा बहुत तो गुंगुंग देखते हैं, थोड़ा सा वियर्ड लगता है ये चीज़, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं है। आप जब ईयरफोन लगाते हो तो बिल्कुल परफेक्टली आपको सामने से भी लगता नहीं कि बंदे ने ईयरफोन लगाया है। सो ये जो चीज़ होती है आपको बार बार जो अटेंशन मिलता है बेकार वाला, उससे आप बचे रह सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे जो आपको वायरलेस टू वायरलेस ईयरफोन होते हैं हल्के से बाहर निकले रहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ अजीब सी लगती है और वियर्ड भी लगती है देखने में। और गाइस अगर बात करते हैं इसके दूसरे प्रो की, तो वो है इसका कनेक्टिविटी। गाइस आपको ब्लूटूथ 5.0 लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा इसमें, और बहुत ही विद इन अ सेकेंड ये आपको ये रिकॉर्ड मतलब कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से। इसका मतलब ये कि आपको पहली बार तो कनेक्ट हो जाएगा आपके ब्लूटूथ से, उसके बाद जैसे आपको ब्लूटूथ मोबाइल ऑन रहेगा और बस आप इसे डॉक से ऐसे निकालते हो और ऐसे निकाला आपने, कनेक्ट हो जाएगा, इतने जल्दी कनेक्ट होता है। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर बात करते हैं इसके तीसरे प्रोस की, वो है इसका चार्जिंग टाइम। और चार्जिंग टाइम काफ़ी फास्ट है गाइस, 1.5 घंटे से भी कम में आपको फुल चार्ज कर देता है। और गाइस इसका तीसरा प्रो है इसका लाइट वेट। ये इतना लाइट वेट है कि आपके कान में लगा रहता है तो थोड़े दिन के बाद तो आप सोचोगे कि कुछ लगाई हुआ नहीं है, इतना लाइट वेट है, शायद 1.4 ग्राम से, इतना कम है, और मुझे लगता नहीं इतना कम होगा। वैसे गाइस अब बात करते हैं इसके कॉन्स की।
सो सबसे पहला कौन रहेगा, इसमें बहुत कम ऑप्शन है, जैसे कि आपको पाउजिंग प्ले कर सकते हो, बस टैप करो, बहुत अच्छा, मतलब टच सेंसर काफ़ी अच्छा है, ऐसे टैप करो तो प्ले मतलब पॉज हो जाएगा, उसके बाद अगर तो प्ले हो जाएगा, और कॉलिंग के टाइम भी आपको एक बार टैप करते हो तो कॉल उठा लेगा, और अगर आप टैप एंड होल्ड करते हो तो कॉल रिजेक्ट कर देगा, और आप डबल टैप करते हो म्यूजिक के वक्त तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट खोलता है। मतलब ऐसा कौन करता है यार, मतलब गूगल असिस्टेंट नहीं चाहिए था हम लोग को, प्ले नेक्स्ट हो जाता या फिर आपको प्रीवियस हो जाता, नेक्स्ट एंड प्रीवियस का यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे Xiaomi ने गलती कर दी है। और अगर बात करते हैं दूसरे कौन की इसमें, तो इसमें आपको कनेक्टिविटी एक इशू है, ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है गाइस कि आप इसको अकेले अकेले भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि एक उसमें लगा हुआ है एक बाहर है, सो इसका मतलब है कि मैं इसको आराम से कनेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन गाइस मेन बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोग प्रेस एंड होल्ड करके इसको ऑफ कर देते हैं और फिर प्रेस एंड होल्ड करके इसको ऑन कर देते हैं अकेले, तो ये क्या होता है ना कि इसको जो दोनों का जो म्यूचुअल कनेक्शन है दोनों एयरफोन्स का, वो कनेक्ट ख़त्म हो जाता है और फिर अकेले अकेले ये कनेक्ट होने लगता है, तो थोड़ा सा क्वाइट कन्फ्यूजिंग है ये नए यूज़र्स के लिए कि कैसे इसको कनेक्ट करेंगे दोबारा से। और गाइस लास्ट इसका जो कॉन रहेगा ये रहेगा कि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आपको AliExpress, Banggood या फिर GearBest से मंगाना पड़ेगा, जो बेस्ट बाइंग लिंक होगी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से मैंने ख़रीदा है, क्योंकि वो जो जगह है वो बिल्कुल आपको ट्रस्टेड है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई चीट वीट हो 100 रुपये 200 रुपये के लिए, सब वहीं से ख़रीद लेना। सो गाइस आई थिंक कि इस फुल डिटेल रिव्यू के लिए इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, साउंड क्वालिटी से काफ़ी अच्छी है, बहुत कुछ इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, कुछ कुछ परेशानी आ सकती है आपको, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, और मेन बात यह है कि इसमें कोई भी बटन नहीं है, वो एक परफेक्टली अच्छी चीज़ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइज, लाइक करो वीडियो को, भूल जाते हैं बोलना है इसको बार बार।